तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन एश ग्रे। जहाँ भी गाइज पिछली बार हमारा मेटापॉड इवॉल्व हो गया था एंड गाइज बन चुका था बटरफ्री, एंड उसके बाद हम आ चुके थे प्यूटर सिटी में जहाँ पे हम मिले थे ब्रॉक के फादर से जिनका नाम फ्लिंट था। एंड उसके बाद हमने गाइज अपनी पहली जिम बैटल लड़ी थी ब्रॉक के साथ। एंड जैसा कि अगर हम स्टोरी के मुताबिक चलते तो एश कैचम ने दूसरी बार में ब्रॉक को हराया था। पहली बार में वो हार गया था, दूसरी बार उसने अपने पिकाचू की ट्रेनिंग कराई थी एंड फिर वो वापस आया था हराने के लिए। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हुआ, हमने भी दूसरे बार में उसको हरा दिया। पहली बार में गाइस हम जानबूझ के हारे एंड दूसरी बार में हमने हरा के उसको अपना पहला जिम मैच यहाँ पे जीत लिया है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे, सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आज हम जाने वाले हैं एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, क्लिफेरी और मूनस्टोन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है एंड बहुत सारे विलन्स भी आने वाले हैं। वैसे हमारा तो एक ही विलन है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं गाइस एम्प्टी मून की तरफ। एंड यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स थे गाइस मैंने उन सबको हरा दिया है ऑफलाइन ट्रेनिंग के दौरान। एंड अपने पोकेमोन की ट्रेनिंग अच्छी खासी हो चुकी है, मैं तुम लोग को दिखाना चाहूँगा। पिकाचू लेवल 16, बटरफ्री 16 एंड पिजियोटो गाइस 17, तो अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई है। एंड भाई एम्प्टी मून के अंदर इतने सारे ट्रेनर्स हैं, अगर मैं वहाँ ट्रेनिंग कराने चाहूँगा तो लगभग मेरे पोकेमोन की जो लेवल्स हैं वो 20 तक जा सकती हैं, जो कि अपने लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है सेकेंड जिम बैटल के लिए। ठीक है, तो मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग वहीं से करा लूँगा। इस वीडियो में ज़्यादातर हम मेन कंटेंट पर फोकस करेंगे एंड मैं हर वीडियो पर यही करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आगे चलते हैं। एंड भाई आगे गाइज वो रहे प्रोफेसर जिनके ऊपर ज़ुबैट ने हमला कर दिया। अगर तुम लोगों ने एपिसोड नंबर आई गेस 3 या 4 था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि इनके ऊपर एक ज़ुबैट ने हमला कर दिया, फिर ऐश ने बचाया था। तो फटाफट से इस ज़ुबैट को हम ख़त्म कर देते हैं। एंड गाइज ये हमें थैंक यू बोलना है, फिलहाल ये इस केव में इसी नाते आए हैं यहाँ पर रिसर्च करने के लिए क्लिफेरी और मूनस्टोन पे, तो हमें शायद मदद करनी पड़ेगी। बट ये बता रहे हैं क्लिफेरी के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो हमें जाके बचाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जहाँ मुसीबत आए वहाँ टीम रॉकेट तो होती ही है गाइज। एंड यहाँ पे देखो ऐसा माहौल भी, ओके यार यहाँ पे पोकेमोन आएंगे, तो मैंने रेपल खरीदा है, मैं अभी यूज़ कर लूँगा। एंड गाइज आगे ट्रेनर है तो मेरे ख्याल से मैं इस वाले को सिर्फ हराऊंगा, बाकी जितने भी यहाँ पे होंगे 10-15 मैं उन सबको ऑफलाइन ट्रेनिंग में हरा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से इन्हें हरा देते हैं इन जस्ट 1, 2, 3। तो ओके गाइज यार मैंने इन्हें यहाँ पे हरा दिया है एंड अब मैंने रेपल का भी यूज़ कर लिया। फिलहाल यहाँ पे 2 रास्ते जा रहे हैं, फिलहाल वहाँ एक पोकेबॉल पड़ा है तो मैं उसको उठा लेता हूँ। देख रहे हो हर जगह पे यहाँ पे ट्रेनर्स हैं तो मेरी आराम से ट्रेनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल के लिए हम सीधे जाने वाले हैं, तो लेट्स गो फटाफट से। एंड रिपल ख़त्म हो गया, भाई साहब इतना सस्ता रिपल कौन बेचता है यार। ओके गाइज फटाफट से गाइज हम लोग आगे जाने वाले हैं। एंड भाई आ गए टीम रॉकेट वापस हारने के लिए। एंड तुम लोग को याद होगा जब ऐश और उसके दोस्त जा रहे थे केव के अंदर तो टीम रॉकेट आई थी परेशान करने के लिए। सिंपल सी बात है गाइस, हमें दोबारा से बैटल करनी पड़ेगी इन लोगों के साथ, हैं सुधरने वाले तो हैं नहीं, इनके पास और कोई काम धंधा तो है नहीं। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं करने वाला हूँ थंडर वेव अटैक ताकि उसको मैं पैरालाइज कर दूँ एंड उसके बाद हम लोग फटाफट से इसकी कहानी यहाँ पे निपटाने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ यूज़ करेंगे अपने बटरफ्ली को, थोड़ा सा लड़ने का मौका दे देना चाहिए क्योंकि यार वो भी तो अपना, उसको भी तो अपने जिम बैटल का यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कॉफिंग जग चुका है बट बड़े देर से जगा है क्योंकि हमने ऑलरेडी उनके दोनों पोकेमोन को यहाँ पे हरा दिया है गाइस, लेट्स गो। ओके, तो अब ये लोग वापस से हार चुके हैं एंड शायद ये जाने वाले तो नहीं है क्योंकि इनको खुद मूनस्टोन चुराना है, ऐसा इन लोग का कहना है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए लोग जा रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से जहाँ पर टीम रॉकेट आई है मेरे ख्याल से वहीं से रास्ता है। एंड जैसा कि मैंने बोला था गाइस यहीं से रास्ता है एंड यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्चुअली एक ही रेपल खरीदा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मेरे पास होगा यार, मैं बाद में यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे नीचे एक ट्रेनर है तो मैं क्या बस बचा के जा सकता हूँ क्या? ओके, तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं। ओके, एस्केप रोप मिला, मैंने इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की, देख रहे हो मतलब यहाँ पे हर कोने में ट्रेनर है तो आराम से ट्रेनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है अपने पोकेमॉन्स की। एंड यहाँ पे एक और सीढ़ी जा रही है बट ऊपर एक ट्रेनर है, मैं इसे बाद में हरा दूंगा। लेट्स गो, हम लोग आ चुके हैं दूसरी जगह पे। फिलहाल के लिए यहाँ पे भी गाइज एक ट्रेनर है बट वो चारों तरफ घूम रहा है एंड मैं नहीं बच पाया, तो फटाफट से गाइज इसको भी हरा देते हैं जस्ट 1, 2, 3। तो ओके गाइज सर, मैंने इस वाले ट्रेनर को भी यहाँ पे हरा दिया एंड अपना बटरफ्री भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है ट्रेनिंग के साथ साथ। एंड मैंने यहाँ पे रेपल नहीं यूज़ किया है इसीलिए पोकेमोन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बट अब ज़्यादा कोई उसकी बात नहीं है, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि हम लोग वही रास्ता फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे टीम रॉकेट और बाकी सारे लोग होंगे। ठीक है, लेट्स गो। अरे यार मैंने इसको क्यों, चलो इसको मार ही देते हैं, इसी बहाने अपने पिकाचू की भी ट्रेनिंग हो जाएगी, क्या दिक्कत है। एंड गाइस तुम लोग आगे देख ही पा रहे होगे क्लिफेरी का पूरा झुंड है बट यहाँ पे शायद मूनस्टोन है तो मैं ले लेता हूँ, जब हमें लेने को बोल ही रहा है, जब मिल ही रहे तो ले लेते हैं। एंड भाई गाइस वो रहा, ओ भाई
मैं जान रहा था टीम रॉकेट वापस आएंगे मूनस्टोन को और क्लिफेरी को चुराने, बट इस बार हमारा काम क्लिफेरी ने आसान कर दिया। क्लिफेरी ने अपने अटैक क्या मेट्रोनोम का इस्तेमाल किया एंड भाई यहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी मदद से टीम रॉकेट यहाँ से भाग चुकी है। तो इस बार भाई साहब हमने अपना काम क्लिफेरी ने कर दिया एंड साइमोर हमें थैंक यू बोल रहे हैं क्लिफेरी और मूनस्टोन को बचाने के लिए। चलो ठीक है यार, थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारा काम है यार, हम लोग हीरो बनने का काम ही रहता है ना, और क्या बताएं। तो यहाँ पे क्लिफेरी से बात करते हैं कि कुछ नहीं कह रही है लोग फिलहाल। यहाँ पे कई सारे तादाद हैं, लग रहा है जो प्रोफेसर है वो यहीं पर रहने वाले हैं थोड़ा सा और रिसर्च करने के लिए, तो इन्हें यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि मुझे नीचे जाने का रास्ता यहाँ पे दिख चुका है। बट यहाँ पे एक पोकेबॉल है जिसके अंदर एंटीटोड है, चलो अच्छी बात है अपने लिए। फिलहाल हम लोग गाइस बाहर आ चुके हैं। ओके, बाहर आने से पहले एराटाटा के दर्शन हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे पोकेमॉन्स भी इतने हैं ना कि अपनी ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनर से तो हो ही जाएगी लेकिन पोकेमॉन से भी हो ही जाएगी, ठीक है। एंड हम लोग शायद अब आ चुके हैं, एक सेकंड, यहाँ पोके बॉल है तो उसको ले लेते हैं। रिफ्लेक्ट अटैक को छट्टी हुई टी एम है गाइस। एंड यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग क्यों इकट्ठा हैं, कुछ हुआ होगा क्या? ओके, याद आ गया मुझे, सेरुलियन सिटी के अंदर टीम रॉकेट वापस आए थे, कुछ चुरा के लोग ले गए थे। लेकिन चलो ठीक है, जनी से बात करते हैं फटाफट से। अरे यार जाने नहीं दे रहे, एक्सक्यूज मी यू लुक वेरी सस्पिशियस टू मी। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये बता रही है कि यहाँ पे एक चोरी हो चुकी है बेसिकली क्या सेरुल सिटी के अंदर। कुछ तीन लोग थे जिन्होंने क्या नाम है, जिन्होंने कोई मशीन चुरा ली है। एंड तुम लोग को पता ही होगा कि एंड ये हमारा ट्रेनर कार्ड चेक कर रहे हैं, इनको हमारे ऊपर शक था बट फाइनली ये शक दूर हो चुका है। एंड ये बता रही है कि कोई वैक्यूम लेके यहाँ से भाग गया है। तो तुम लोग जान ही रहे हो कि इस एपिसोड के अंदर टीम रॉकेट ने ही सारा काम किया था एंड उन्होंने मिस्टी के जिम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम जिम बैटल नहीं करेंगे, फिलहाल मैं तुम लोग को जिम दिखा देता हूँ, वो देखो कितना अच्छा है। एक सेकंड दिखाई देता हूँ, ये देखो गाइस ये तीनों यहाँ पर हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना सेकंड जिम बैच भी जीत जाएंगे। फिलहाल यहाँ कुछ घूमने लायक जगह तो नहीं दिख रही है। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मार्ट है तो मैं वो खरीद लूँगा रेपल वेपल, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को आज की इस वाली वीडियो के अंदर मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना सेकंड जिम बैच भी जीत जाएंगे जो कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एंड अपने पोकेमॉन की मैं ट्रेनिंग भी करा दूंगा केव के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।